दोस्तों पंकज धवानी चलन है और जनरेटर के बारे में बताते हैं। इसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो पाने के लिए ये बेल आइकन भी दबाएं और उस पर ऑल पे क्लिक करें। ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। दोस्तों मैं पंकज धवानिया आज आपके लिए एक अल्टरनेटर की वीडियो लाया हूँ और इसमें आज हम बात करेंगे कि जब हमारे जनरेटर में वोल्टेज नहीं आते, करंट नहीं आते, तो हमें क्या चेक करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेक करना चाहिए। तो आप ये देख लें, ये 3 फेज की सिर्फलिंग है। तो सबसे पहले हमें आर्मेचर के बोल्ट चेक करने हैं और अल्टरनेटर के कनेक्शनों पर ध्यान देना है कि किस तरीके से कनेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से हमें वोल्टेज कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे। ठीक है जी। तो आपको देखना, पहले आर्मेचर हमारा बोल्ट बनाता है तो उसके कनेक्शनों पे ध्यान देते हैं। जब आर्मेचर बोल्ट बनाता है तो वो डायोड में जाते हैं। ये देखें, ये हमारा आर्मेचर सिंगल फेज का देख सकते हैं। आर्मेचर घूमेगा तो ये करंट निकालेगा और ये करंट निकालता है आपका 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट ऐसे करके निकालता है। ठीक है जी। ये कुछ ना कुछ आपके वोल्टेज निकालता है। जब तक ये वोल्टेज नहीं निकालेगा तो आगे करंट की सप्लाई नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये हैगी। ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले आर्मेचर में वोल्टेज चेक करने, जो हमारा कहीं भी नहीं आ रहा कि हमारे वोल्टेज कहाँ कहाँ हैं। तो ये बारीक तार है, ये देखें, पहले बारीक तार को चेक कर लेते हैं कि जो हमारी फील्ड की तार है, बारीक तार होती है, वो बोल रही है या नहीं बोल रही है। देखें, बोल रही है। ये हमारे व्यूअर ने वीडियो भेजी थी तो उसके आधार पर थोड़ा बता रहे हैं। तो ये देखें, ये बोल रही है इनकी फील्ड और जनरेटर फिर भी करंट नहीं निकाल रहा। और आर्मेचर का वोल्टेज मीटर इन पे है नहीं और ये बत्ती से चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये भी इनकी मोटी वाली फील्ड भी सही बोल रही है, आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फील्ड हमारी कंटिन्यूटी मतलब बोलनी चाहिए मीटर से देखें या बत्ती से चेक करें। ठीक है जी। इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करें आप। आपको बारीक फील्ड की करनी है और मोटी की करनी है। और आर्मेचर का ध्यान रखना है, आर्मेचर करंट जब तक नहीं निकालेगा हमारा अल्टरनेटर काम नहीं करेगा। और उसके बाद हमारे फील्ड को भी करंट कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। हमारा मेन चीज़ है अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। देखें, अर्थिंग चेक कर रही है, अर्थिंग के लिए नहीं जला तो हमारे इसका मतलब फील्ड सही है, अर्थिंग नहीं हो रही, अर्थिंग की वजह से भी करंट नहीं देता है। अब ये बता रहे हैं कि ये ओपन हो गए हैं, मतलब डायोड नहीं बोल रहे, दोनों तरफ से किसी तरफ से भी चेक कर लिया इन्होंने, तो वो तो अलग ही, इनका बत्ती भी सही है और उसके बाद भी डायोड चेक कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो जैसे कि अब हमारी डायोड स्ट्रिप ये 12 की, कई बार 8 की होती है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो डायोड स्ट्रिप लगा रहे हैं वो हम चार चार के बना के लगा लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम उसमें लोड ना घेरें और चार के डायोड स्ट्रिप बना के, चार सेट की, और उसमें लगा के साइड में हम चेक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है 8 की बना के हमें लगानी है, तो हम डायोड ले सकते हैं दो दो का सेट बना के और हम चार की स्ट्रिप बना के लगा कर सकते हैं, या चार जो ऊपर डायोड लगाते हैं वो भी साइड में लगा के हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो जब लोड डालेंगे, जब उन पर जोर पड़ेगा, बिना लोड के उन पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो इन्होंने चेक करे, सारे ओपन हैं इनके, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहते हैं ये किस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो जंग आया था कई बार, उसकी वजह से नहीं बोलता है। तो आप ये देखें, तो आर्मेचर को भी आपको अर्थिंग चेक करनी है, आर्मेचर को भी अर्थिंग तो नहीं है। ठीक है ना। और ये फील्ड को भी चेक कर लिया इन्होंने, अर्थिंग तो नहीं है। ये देखें, फील्ड को आपको इस तरीके से बॉडी से लगा के देखना है और एक तार बत्ती पर लगाया है इन्होंने, एक बॉडी पर लगाया तो नहीं बोल रहा है, तो ठीक है ना। तो ये सही है, इनका कोई दिक्कत नहीं, ये फिर भी करंट नहीं बना रहा। तो हमें क्या करना है, मोटे सॉरी आर्मेचर का करंट चेक करना है। आर्मेचर करंट चेक करके वो बारीक तार को ब्रिज रेक्टिफायर बना के लगाना है, डायरेक्ट आर्मेचर के तार ऊपर हमें ब्रिज रेक्टिफायर पे लगाने हैं। तो हमें चेक करना है चार डायोड से, पूरे अल्टरनेटर में कहीं भी डायोड नहीं लगाने, दोनों तार आर्मेचर के ऊपर ले जाने हैं और हमें ब्रिज रेक्टिफायर में लगा देने हैं, और उसमें बारीक तार भी ब्रिज रेक्टिफायर में माइनस प्लस में लगा के, और हमें जो आर्मेचर के तार आ रहे हैं उनमें मीटर लगा के चेक करना है, या बल्ब होल्डर लगा के चेक कर सकते हो कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सेफ्टी का ध्यान रखें, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि सेफ्टी से आप जो काम करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। जो बिना सेफ्टी के ध्यान करते हैं तो करंट लगने का दिक्कत है, चोट फेट लगती है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को समझना है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।